अरे बदतमीज कर रहा है सर, आने का मतलब नहीं है सर, हम हमारा काम कर रहे हैं, अब अपना काम पीछे कोऑर्डिनेटर कुछ उसकी दे रहा है। हेलो गाइस, मैं हूं जुबेर खान और मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप सब देख रहे हैं बसंत न्यूज़। तो दोस्तों, अभी तक आपने जुबेर को फेक पुलिस बनकर रोड पर चालान काटते हो तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस बार का जो प्रैंक वीडियो है ये बहुत बहुत बड़ा प्रैंक वीडियो है। एक नहीं, दो नहीं, पचास नहीं, ये पूरा कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ हमने प्रैंक किया, तो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रैंक था। तो ये वीडियो शूट हुआ था करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में, लास्ट ईयर हुआ था, IMIX 2017 एक फेस्ट होता है, तो उसमें मिलिंद गाबा भी आए हुए थे। करियर पॉइंट के एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इनवाइट किया कि आओ आप करियर पॉइंट में रेड मारो। तो करियर पॉइंट के जो इवेंट ऑर्गेनाइजर टीम थी उसमें से और वहाँ के कुछ स्टूडेंट्स, दो तीन स्टूडेंट्स हमारे साथ मिले हुए हैं इस प्रैंक को करने में, लेकिन सभी स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है उनके साथ क्या होने वाला है, और वहाँ के जो स्टॉल्स लगे हैं उनके वेंडर्स, उनको किसी को मालूम नहीं उनके साथ क्या होने वाला है। हम वहाँ पर बनकर जा रहे हैं, एक नकली डॉक्टर की टीम और एक पुलिस की टीम है साथ में, हम लोग जा रहे हैं चेक करने के खाने की चीज़ों में क्या मिलाने वाले हैं। कॉफ़ी वाला क्या मिला है? कॉफ़ी में क्या मिला है? बना नहीं रहे हो, चाय बना रहे हो ना, क्या मिला है? के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला रहा है, इस तरह कॉफ़ी चाय है ना, चाय है, कॉफ़ी है, जो भी है, चाय टेस्ट कराओ। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तब स्टॉल के आसपास कोई नहीं था, लेकिन जो एंट्री हुई थी वो इतनी दमदार एंट्री थी कि हमारे जाने के बाद देखते 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 बहुत क्राउड जमा हो गया चारों तरफ, हमें भीड़ ने चारों तरफ घेर लिया। अब आप देखेंगे मेरे कान में एक एयरफोन लगा हुआ है, मैं हमारे जो कैमरामैन हैं साबिर भाई उनके साथ डायरेक्टली कनेक्ट था, तो वो कार में से कैमरा चला रहे थे और मुझे बार बार बोल रहे हैं कि कैमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, भीड़ को हटाओ, तो मैं चिल्ला के आप देखना बार बार भीड़ को हटा, साइड हो जाओ ना तुम लोग। हमारे जो डायरेक्टर हैं फिरोज खान साहब, वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, उनको अचानक ख्याल आया, वो कार में से निकल कर कैमरा हाथ में लेकर भीड़ में घुस गए, भीड़ के बीच में खड़ा होकर उन्होंने शूट किया, तब जाके ये हो पाया। फिरोज सर जो कैमरा लेकर भीड़ के बीच में घुसे, वो छोटा वाला कैमरा था, तो वो पब्लिक के बीच में चला रहे हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ रहा है कि ये एक प्रैंक शूट हो रहा है, क्योंकि सबका ध्यान हमारे ऊपर था, जो उनके साथ वो सीन क्रिएट हो रहा था वहाँ, लोग ये सोच रहे थे कि फेस्ट के बीच में पुलिस कहाँ से आ गई यूनिवर्सिटी में, वो भी कंप्लेंट शिकायत है आपका क्या? ये डॉक्टर साहब चाय चेक करेंगे, मतलब सर समझ नहीं आ रहा मेरा, एक्सपर्ट है वो, उनके देखे आ सबके देख के देखे हटा उसको सबको साइड इसमें भाई कुछ मात्रा कुछ ज्यादा लग रही है, टीडीएस है इसमें, टीडीएस मात्रा कुछ ज्यादा है इसमें, टीडीएस इतना ज्यादा तभी हो सकता है जब इसके अंदर कोई ड्रग्स का या कोई नशीला पदार्थ मिलाया हो। मैंने चाय के अंदर इलायची सुना है, अदरक सुना है, ये टीडीएस क्या होता है यार? TDS टोटल डिसोल्व सॉलिड्स होते हैं, पानी के अंदर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो नुकसानदायक होता है। एक्चुअल में क्या है, हमें ये बताना था कि चाय के अंदर कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ है, लेकिन उस टाइम पे समझ में नहीं आया तो बोल दिया कि तुम्हारे चाय में TDS का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए सेहत के लिए नुकसानदायक है। और पी के ही टेस्ट कर लिया था, वहाँ हमारे जो बड़े डॉक्टर साहब थे उन्होंने पी के ही टेस्ट कर लिया और कहा कि पी के, अरे उन्होंने चाय की पत्ती उठाकर सूंघकर बता दिया कि इसमें कुछ नशीला पदार्थ मिला हुआ है। तो हमारे साथ के जो कैरेक्टर थे वो बहुत आला थे। ये चाय बना रहा हूँ सर। चाय बना रहे, इस चाय के अंदर आपने क्या मिलाया हुआ? इसका TDS लेवल देखो आप कितना हाई हो रहा है। आपने इसके अंदर कुछ नशे की दवा मिलाई है ताकि दोस्तों को, इनको, बच्चों को आदत पड़ सके नशे की? मैं एक दिन के लिए आया हूँ, चार दिन के लिए। आपने किसी से डील की होगी ना, इन्फॉर्मेशन है तभी तो हम यहाँ है। किसने डील की आपसे? कोई यहाँ पर स्टूडेंट आपके साथ मिला हुआ है? जो भी, अब आप बताओगे कि हम हमारे तरीके से पूछे? अरे सर कैसे बताऊँ मैं, चाय बनाते इसी बना रहा हूँ। आप लोग साइड में जाओ, अब मान नहीं रहा है, अब आओ दिखाते आपको जैसे यही चाय बन रही है। तू बाहर आ, इधर बाहर तो आ जाओ, मैं सर बाहर आ, इधर बाहर आ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। मुझे डर लगा था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, लेकिन तुझे भी डर लगा था ये तू मुझे बता रहा था, वो क्या सीन हुआ? वो सीन ऐसा था कि हम पुलिस की ड्रेस में फुल लोडेड बोलेरो के अंदर जा रहे थे, तो सामने से ओरिजिनल पुलिस उधर से आ रही थी, तो दो सेकंड के लिए तो यहाँ तक आ गई थी, लेकिन जैसे फिर उन्होंने क्रॉस किया फिर जान में जान आई, मैंने कहा बच गए। उन्होंने सोचा होगा कि ये हमसे बड़े अधिकारी जाते हैं। और फिर गेट पर पहुँचे और वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने हमें असली पुलिस समझा और
अंदर जाने दिया हमें डायरेक्टली, किसी ने रोका टोका नहीं वहाँ पर, क्योंकि इतने ओरिजिनल लग रहे थे तो सिक्योरिटी ने हमें रोका ही नहीं, सल्यूट भी मारा था उसने सिक्योरिटी ने हमें सल्यूट मारा और सीधा अंदर जाने दिया। सर आप पूरा चेक करिए, बात सुनिए मेरी, एक मिनट बात सुनो पूरा। सर आप चेक करो, सर नंबर का है, सर नंबर का है, नंबर का रखा है, ये देखो सर आप लगा के देख लीजिए, नशा कर रखा है, इसकी आंखें देखो, इसकी आंखें खुद बता रही है, चश्मा भी फैशन का हुआ है, आप भी बाहर आ जाइए। क्या क्या नाम है आपका? नाम सर मोहित कोठारी नाम है। तो इस पूरे प्रैंक को करने में जो टीम हमारे साथ लगी हुई थी उसमें मैं और शरीफ गौरी जो मुंबई से हैं वो बने थे डॉक्टर की टीम में से थे, और जुबेर और शब्बीर मंसूरी पुलिस प्रैंक की तरह इसमें भी पुलिस ही बने थे दोनों। जिम्मेदार अब कुछ है ही नहीं है, जबरदस्ती किसी ने मिला हुआ है इसके अंदर, ये एक्सपर्ट हमारे साथ ही झूठ बोल रहे हैं, अभी सब पता चल जाएगा थोड़ी देर में, सैंपल ले लेने नार्कोटिक्स से हम खाने से नहीं है, नार्कोटिक्स से है बता रहे सर का नाम मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इरफान नाम है सर का। अरे यहाँ पे आया हुआ था मैं इसमें अपना करियर पॉइंट में, और जबरदस्ती स्टॉल पे आके यार यहाँ पे माहौल थोड़ा खराब, मेरी बात करो, तुम मेरी बात करो, अंकल बात करो, हेलो मत करो, बात क्या करनी है तुम तो करिए ना सर, बात करो, बात क्या करेंगे, स्मेल से आ रही है, स्मेल ही आ रही है उसमें, दूध भी सर प्योर यूज कर रहा हूँ इधर से, तेली ने दूध की, दूध क्या करेगा उसमें, तेरी पत्ती के अंदर कुछ मिला हुआ है, चाय पत्ती भी दिखा सर, सब इसमें लग मिला हुआ है, इसमें कलर इस दिख रहा है, एवरीबॉडी एटीएम, एवरीबॉडी एटीएम, इनका एक काम करो इनको सबको लाइन से खड़ा करके इनकी तलाशी लो, स्टूडेंट्स की चाय किस किस ने पी है, यहाँ पर चाय मात्रा है, तुमने पी है, इनका सबका टेस्ट लो। हमने प्लान किया था कि दो स्टूडेंट जो हमारे पार्ट की तरफ से काम कर रहे थे वहाँ पर, तो उनको आना था, लेकिन एक लड़का उनकी क्रू मेंबर का जिसको पता था कि हम लोग नकली पुलिस है, बीच में से आ जाता है, वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो बीच में आता है, आके बोलता है मैंने पी थी चाय, मैं पूछ रहा हूँ कि नशे वाली चाय किसने पी है, तो वो आके बीच में चिल्लाता है मैंने पी है, इतनी ओवर एक्टिंग की कि उसने ना हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया, हम लोगों को और ज्यादा डराना चाहिए, वो केआरके का फैन लग रहा था, कुछ भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जैसा मैं नशीला पदार्थ मिला हुआ है, हमने चाय नहीं चाय भैया मुझे चाय अच्छी लगी, सही बात है, मेरी बात सुनना सर, नहीं चाय मुझे अच्छी लगी, सेम टेस्ट सेम चीज वहाँ पे दे रहा हूँ मैं, आपके देखो एक बार सेम डे सेम चीज वहाँ दे रहे, लेकिन यहाँ नहीं दे रहे हो, वहाँ के लिए तुम्हें पैसा थोड़ी मिला है, इस यूनिवर्सिटी के लोगों को आदत डालोगे आप, इनको आज नशे की आदत लगेगी, कल से ड्रग्स लेना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर, मैं छूता तक नहीं सिगरेट को, आप बेचते हो ना, आप बोल रहे हो मैं नशे में लग रहा हूँ आपको, सर मेरी बात सुनिए, आप एक काम कर दो इनको सबको यहाँ पर खड़ा करके एक एक करके तलाशी ले लो, सर आप तो तलाशी वराशी ने, आप तो बताओ सर आपके पास वारंट किसके पास है, मैं तो ऑथेंटिकली बात करूंगा सर। तो ये लड़का जो वारंट मांग रहा है हमसे, ये हिमालय वशिष्ठ है, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है, और ये करियर पॉइंट के एक स्टूडेंट भी है, तो ये ऑर्गेनाइजर टीम में शामिल थे और हमारा सेटअप थे, इनको पता है कि प्रैंक हो रहा है, तो हमें इनको उठाकर गाड़ी में फिट करके लेकर जाना था, उठाकर लेकर जाना था इन्हीं को, हमें सिर्फ इन्हीं को गाड़ी में बिठाकर लेकर जाना था, ताकि इनके जो फ्रेंड्स थे स्टूडेंट्स थे उनके रिएक्शन हमें देखने थे, लेकिन वो लड़का जो एक ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था, साथ में हमें उसको भी फिट करना पड़ा, वारंट इसकी इसकी तलाशी ले लीजिए, गिरा उठते हेलो हम हमारा काम कर रहे हैं, अब आपका काम कोऑर्डिनेटर कुछ उसकी जेब से, उसकी जेब से गाना निकला है, गाना नहीं पक्का, इसको भी मिटाओ, इसको भी मिटाओ, मिटाओ इसको, अरे मैं क्या बैठूंगा यार, मिटाओ इसको, इधर से निकल, वो गाड़ी आ रही पीछे अपने पुलिस की, लोग हमारे सब्सक्राइबर्स भी थे, तो वो लोग जुबेर को पहचान गए, मुझे तो किसी ने देखा नहीं था उससे पहले पुलिस प्रैंक में, जुबेर को पहचान गए, तो पीछे से
शाउटिंग होने लगी कि बसर न्यूज़ चिल्लाने लगे, तो उससे भी थोड़ा सा हमें लगा कि अब रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवील नहीं करेंगे तो थोड़ी देर में वैसे ही लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि ये प्रैंक हो रहा है। कुछ लड़कियां रोने लगी, उन्होंने घर पर फोन लगा दिया क्योंकि उनके फ्रेंड्स से हम पूछताछ कर रहे थे। बीच में जो वो ओवर एक्टर आया था बहुत ज़्यादा, जिसने उसने हमारा प्रैंक भी खराब किया, और जब प्रैंक हमने रिवील कर दिया तो भाई लास्ट में क्या बोल रहा है, ड्रामे वाले के लिए तालियां हो जाए भाई, ड्रामे वाले के लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो और जुबेर खान की डेयरिंग आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, इससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अब वीडियो आ रहा है दोस्तों एवरी सैटरडे। हमारे पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ और यहाँ क्लिक करके आप पिछले वीडियोज देख सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो यहाँ क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।